हेलो स्टूडेंट, अब हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग का आगे का पढ़ेंगे। कल तक हमने यहाँ पर पढ़ा था कि एनर्जी के सोर्स रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। ठीक, दो टाइप के पढ़े थे हमने, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़े थे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कि वो कौन कौन से होते हैं, और ठीक है, और फिर नॉन कन्वेंशनल पढ़े थे कि और उनके बारे में पढ़ा था कि वे कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो हमने कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ सोर्सेस पढ़े थे कि भाई कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा था फ्यूल, उसके बाद पढ़ा था हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो मतलब पानी से जो मिलती है, ठीक, हाइड्रो एनर्जी सोर्स। फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स, ठीक, ऐसी और भी थी। ठीक, तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हमने सबसे पहला पढ़ा था फ्यूल, ठीक है, ईंधन। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ईंधन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो तीन प्रकार के कल हमने पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस ईंधन। तो इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में पहला था हमारा फ्यूल, ठीक है, ईंधन। तो ये देखते हैं क्या होते हैं। वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किए जाने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, फ्यूल कहलाते हैं, ठीक है, ईंधन कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में जलाने पर, दहन किए जाने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, फ्यूल कहलाते हैं या ईंधन कहलाते हैं। ठीक, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, पहला ठोस ईंधन, दूसरा तरल ईंधन, तीसरा गैस ईंधन। ठीक है, एक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ठोस ईंधन देखते हैं सबसे पहले। ठोस ईंधन, ठीक, तो ठोस इसमें मुख्य रूप से लकड़ी तथा कोयला आता है। ठोस ईंधन में क्या आता है, लकड़ी और कोयला आता है, तो इसको पढ़ेंगे हम। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे लकड़ी। लकड़ी एक घरेलू ईंधन है तथा हर जगह बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक, लकड़ी को हमने देखा है, जानते भी हैं। ठीक, इसका घरों में यूज़ कर जाता है खाना बनाने में। ठीक, तो लकड़ी यह एक घरेलू ईंधन है तथा हर जगह बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हर जगह मिल जाती है लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में। ठीक, इसमें उपस्थित अवयव निम्न मात्रा में होते हैं। इनमें कौन कौन से अवयव होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो कार्बन होता है 50% लकड़ी में, हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन 43%, राख होती है 0.5 से लेके 1.5% तक, और इसमें क्या होती है, नमी होती है 15% से 50% तक नमी हो सकती है। ठीक, तो ये हो गई हमारी लकड़ी। ठीक, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कोयला, कोल बोलते हैं जिसको। कोयला भी एक मुख्य ठोस ईंधन है। यह विश्व में लगभग प्रत्येक भाग में पृथ्वी के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कोयला क्या है, यह विश्व में ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ज़मीन के नीचे पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक, कोयला मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। ठीक है, यह भी एक क्या ठोस ईंधन है कोयला भी। तो इसके पार्ट देखेंगे हम, कितने पार्ट का होता है, सॉरी कितने प्रकार का होता है, टाइप्स देखेंगे। तो पहला होता है पीट कोयला। ठीक, यह कोयला वनस्पतिक पदार्थों के कोयले में परिवर्तन की पहली अवस्था होता है। अच्छा, कोयला बनता कैसे है, जो वनस्पति पदार्थ होते हैं ज़मीन के नीचे उनके अपघटन से बनता है। ठीक है, तो यह जो पीट कोयला होता है, यह कोयला वनस्पति पदार्थों के कोयले में परिवर्तन की पहली अवस्था होती है। जो वनस्पति पदार्थ होते हैं, जब वो कोयले में बदलते हैं, तो सबसे पहली जो स्टेज होती है ना कोयले, उस कोयले की, जब वो वनस्पति पदार्थ कोयले में बदलते हैं, वह पीट कोयला होती है। ठीक है, यह एक भूरे रंग का स्पंजी पदार्थ है। ठीक है, ये क्या होता है, भूरे रंग का एक स्पंजी पदार्थ होता है पीट कोयला। इसकी संरचना निम्न प्रकार है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें। कार्बन होता है 60% पीट कोयले में, हाइड्रोजन होता है 8%। ठीक है, 8% हाइड्रोजन होता है।
8% हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन 30% और इसमें राख होती है 2%। ठीक है, तो ये क्या हमारे पीट कोयले की संरचना है, ये एलिमेंट पीट कोयले में पाए जाते हैं। यह सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है, ठीक ठीक है, सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, इसको उपयोग नहीं करते हैं ईंधन के रूप में। दूसरा है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला देखते हैं, यह वनस्पतिक पदार्थों से कोयले में परिवर्तन की दूसरी अवस्था होती है। ठीक, पहली अवस्था क्या थी, पीट कोयला, उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है जब वनस्पति पदार्थों का अपघटन होता है, जब वो कोयले में परिवर्तित होते हैं तो ये उसकी सेकंड स्टेज होती है, दूसरी अवस्था होती है, तथा यह गहरे भूरे रंग का होता है। वो क्या होता है, केवल भूरे रंग का, यह गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसमें भी कार्बन की 50% मात्रा कम होती है, इसलिए इसे भी अच्छा ईंधन नहीं माना जाता। इसमें भी कार्बन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इसे अच्छा ईंधन नहीं माना जाता। ठीक, लेकिन पीट कोयले की अपेक्षा यह अच्छा ईंधन है, पीट कोयले से अच्छा ईंधन होता है ये, उससे ज़्यादा इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, अब इसके संरचना देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से आप घटक पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं ये देखते हैं। कार्बन 67% कार्बन पाया जाता है इसमें, हाइड्रोजन 5%, ऑक्सीजन 20% और राख 8% पाई जाती है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिटुमिनस कोयला। ठीक ठीक है, बिटुमिन कोयला देखते हैं क्या होता है। बिटुमिनस कोयला थर्ड टाइप होता है कोयले का। यह काले रंग का कठोर तथा भुरभुरा कोयला होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, काले रंग का कठोर तथा भुरभुरा कोयला होता है। भुरभुरा मतलब क्रिस्पी, इसको बोलते हैं क्रिस्पी टाइप। ठीक, ये वनस्पति पदार्थों से कोयले में परिवर्तन की तीसरी अवस्था है। ठीक, पीट कोयला और लिग्नाइट कोयला पहली और दूसरी अवस्था थी, बिटुमिन तीसरी अवस्था। ठीक है, वनस्पति पदार्थों से कोयले में परिवर्तन की तीसरी अवस्था है, तथा सबसे अधिक प्रयोग आने वाला कोयला, यह सबसे अधिक उपयोग होता है। ठीक, इसमें कार्बन अधिक मात्रा में होता है, यह लंबी चमकीली और पीली ज्वाला से जलता है। ठीक, यह क्या है, इसमें कार्बन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इसलिए यह अधिक उपयोग होता है, और यह लंबी चमकीली पीली ज्वाला के साथ जलता है, फ्लेम के साथ जलता है। इसकी संरचना निम्न है, इसकी संरचना देखते हैं। कार्बन 83.5%, हाइड्रोजन 5%, ऑक्सीजन 5% और राख होती है इसमें 6.5%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कोयला का, एंथ्रासाइट कोयला। ठीक, चौथा पार्ट कोयले का, चौथा टाइप्स। यह वनस्पति पदार्थ से कोयले में परिवर्तन की लास्ट स्टेज होती है। ठीक, पहली दूसरी तीसरी अभी हम पढ़ चुके हैं, ये आखिरी स्टेज होती है जब वनस्पति पदार्थ कोयले में परिवर्तित होते हैं। यह कठोर भंगुर तथा काले रंग का पदार्थ है। ठीक है, यह कैसा होता है, कठोर होता है, भंगुर होता है और काले रंग का होता है। इसमें वाष्पशील पदार्थों की मात्रा न्यूनतम होती है, तथा कार्बन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कार्बन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यह जलने पर बहुत कम धुआं देता है, तथा उच्च ताप की ऊष्मा प्रदान करता है। जब इसको जलाते हैं तो कम धुआं देता है और हाई टेम्परेचर की हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, इसकी संरचना कैसी होती है, कार्बन होता है बहुत, सबसे अधिक इसी में कार्बन होता है 90%, हाइड्रोजन 3%, ऑक्सीजन 2% और राख 5% होती है। ठीक है, ये इसके एलिमेंट पाए जाते हैं इस कोयले में। ठीक, सबसे अच्छा कोयला यही माना जाता है, एंथ्रासाइट कोयला। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमने देख लिया ठोस ईंधन, अब पढ़ेंगे तरल ईंधन, लिक्विड फ्यूल। ठीक, तो इसके अंतर्गत पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन तेल आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पेट्रोल। यह कम क्वथनांक वाले उन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, पेट्रोल हम पढ़ रहे हैं। ठीक,
जो हम यूज़ करते हैं बाइक और कार वगैरह में, यह कम क्वथनांक वाले उन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है जिनमें परमाणु जिनके अणुओं में कार्बन परमाणु C5 से C11 तक होते हैं, ठीक। तो उन हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण है जिनके परमाणुओं में कार्बन परमाणु C5 से C11 तक होते हैं, यह अति ज्वलनशील तथा बाष्पशील द्रव है। क्या यह बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलता है, बहुत सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। हाई फ्लेमेबल तथा बाष्पशील द्रव है ये, अतः इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, ठीक है। इसलिए घरेलू ईंधन के रूप में इसको उपयोग नहीं करते हैं। इसका उपयोग आंतरिक दहन इंजनों में, इंटरनल कंबशन इंजन में होता है, ठीक है। जैसे हमारी कार और बाइक वगैरह होती हैं उनमें इसका उपयोग करते हैं, पेट्रोल का उपयोग, ठीक, घर में नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी संरचना देखते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इसका संगठन, कार्बन 84 से 85%, हाइड्रोजन 15 से 16% तक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर 1% होता है, ठीक है, पेट्रोल में, ठीक। अब नेक्स्ट ईंधन है हमारा डीजल। नेक्स्ट तरल ईंधन क्या है? लिक्विड फ्यूल डीजल, पहला क्या था? पेट्रोल। डीजल देखते हैं, यह उन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या C13 से C20 तक होती है, इसका क्वथनांक अधिक होता है, ठीक, जिससे इसका बाष्पीकरण तथा प्रज्वलन कठिनता से होता है, ठीक। इसका क्वथनांक अधिक होता है पेट्रोल की तुलना में, जिससे इसका बाष्पीकरण और प्रज्वलन कठिनता से होता है, ठीक। इसलिए इन्हें डीजल इंजनों में उपयोग करते हैं, ठीक। तो डीजल का उपयोग डीजल इंजन में करा जाता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही घरेलू कारों में यूज़ करते हैं इसको हम। नेक्स्ट है केरोसिन तेल। केरोसिन देखते हैं, यह उन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है जिनके अणुओं में कार्बन परमाणु C13 से C18 तक होते हैं, ठीक है। केरोसिन के अणुओं में कार्बन परमाणु C13 से C18 तक होते हैं, इसका क्वथनांक पेट्रोल से अधिक होता है, ठीक है, इसका क्वथनांक पेट्रोल से अधिक होता है तथा यह सरलता से बाष्पीकृत नहीं होता है, इसलिए यह साधारण इंजनों में इसका उपयोग विशेष रूप से जेट इंजन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, केरोसिन का, ठीक। ये होगा हमारे लिक्विड फ्यूल। इसका देखें गैस ईंधन, गैसेस फ्यूल, ठीक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस आती है, ठीक है, नेचुरल गैस गैस ईंधन में। तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस यह सदैव पेट्रोलियम कुओं में, पेट्रोलियम के साथ तथा कोयले की खानों के आसपास की जगहों में पाई जाती है, ठीक है। प्राकृतिक गैस हमें कहाँ मिलती है? यह पेट्रोलियम के कुएँ होती हैं उनमें पेट्रोलियम के साथ, ठीक, तथा कोयले की खानों के आसपास की जगहों में पाई जाती है। इस गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। यह लगभग 85% मीथेन, 10% एथेन तथा 5% अन्य हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, ठीक। तो जब प्राकृतिक गैस होती है इसको मार्स गैस भी कह देते हैं। इसमें 85% मीथेन, 10% एथेन तथा 10% अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक। इसका उपयोग उद्योगों तथा घरेलू कार्यों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और सीएनजी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सिलेंडरों में कंप्रेस कर देते हैं ना, कंप्रेस करके ये क्या होता है, इसको स्टोर करते हैं सिलेंडरों में कंप्रेस करके, ठीक। जो नेचुरल गैस होती है हमारी प्राकृतिक गैस, इसको सिलेंडरों में कंप्रेस करके स्टोर करते हैं, ठीक, जिसके कारण क्या होता है, इसको सीएनजी गैस बोलते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड न्यूट्रल नेचुरल गैस, ठीक है, जिसका उपयोग हम क्या क्या कहाँ करते हैं, परिवहन वगैरह में करते हैं, यातायात में करते हैं, ठीक, जैसे हमारे ऑटो वगैरह हैं, ठीक है,
ऑटो वगैरह में सीएनजी करते हैं, कार में भी सीएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या था, गैसीय ईंधन, ठीक, गैसेस फ्यूल था। तो हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा, ईंधन के बारे में पढ़ा, फ्यूल के बारे में कि फ्यूल क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के फ्यूल होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक। फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे, हम कल कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।